स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक इमेजेस फॉर्मड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इन यस्टरडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इमेजेस फॉर्मड बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। कि जब भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखा गया तो इमेज कहाँ कहाँ बनी और कैसी बनी, क्या उसका नेचर रहा, क्या उसका साइज रहा, क्या उसका पोजीशन रही, क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन रही, कहां पर वो एग्जैक्टली बनी। तो इसी तरह से आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इमेजेस फॉर्मड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो इफ वी टेक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, इफ वी ड्रॉ दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कोई पर्टिकुलर फिक्स पोजिशन नहीं है, सो हियर व्हाट वी कैन से, वन रे ऑफ लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, वन इंसिडेंट रे इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। वेन दे स्ट्राइक हियर ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द मिरर, दे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, इज इट क्लियर, एंड दे अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, वो इस तरह से दे अपीयर्स टू मीट एट द फोकस, इस तरह से फोकस पर मिलती हुई नजर आएंगी, सो इमेज विल बी फॉर्मड हियर एट द फोकस। तो इमेज जो होगी वो एट द फोकस बनेगी एंड दैट इज बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा रहेगा, दैट विल बी पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटे साइज की रहेगी, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो देखिए बेटे, ये जो चीजें हैं यहां से आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, हाफ मार्क फॉर दिस डायग्राम, हाफ मार्क फॉर दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ मार्क फॉर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाफ मार्क फॉर द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो इस तरह से आपसे डायग्राम बनाने के लिए पूछेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो बताइए कहां पर जाकर के इमेज बनेगी इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए सबसे पहले, आफ्टर दैट हाफ मार्क विल बी कंसीडर्ड हियर, हाफ विल बी हियर एंड हाफ विल बी फॉर दिस वन। इस तरह से ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाता है, इज इट क्लियर। फिर अगर पोजीशन को हम फिर से चेंज करते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड वी टेक द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल, तो पोल यहां पर है इसका, इज इट क्लियर। तो इंफिनिटी यानी कोई भी पॉइंट उनके बीच में, तो सपोज हमने ये वाला पॉइंट जो है ये कंसिडर किया है, इज इट क्लियर। नाउ इफ वी से इज द ऑब्जेक्ट, we can say the first ray is coming in this direction, एक जो ray of light है वो इस direction में इस तरह से आगे बढ़ रही है, is it clear? ये यहाँ क्या करेगी, जो principal focus, जो we can say parallel आ रही है principal axis के, वो क्या होती है, इस तरह से reflect back हो जाएगी, but it appears to pass through the principal focus, ऐसा लगेगा जैसे ये principal focus से pass कर रही है इस तरह से, ये अपने आप में एक straight line होती है, जब आप scale से बनाओगे तो it will be straight, is it clear? अब इसके बाद सेकेंड रे ऑफ लाइट, इफ दिस इज, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करेगी तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इज इट क्लियर। जब वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सो हियर व्हाट वी कैन से, जब वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो देखो ये यहां पर कट कर रही है दोनों एक दूसरे को, एक रे इस डायरेक्शन में हुई थी, एक इस डायरेक्शन में वापस जा रही है, तो इमेज जो है वो यहां बनेगी, यहां पर कहां पर, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, यानी पोल और फोकस के बीच में हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी एंड दैट विल बी बिहाइंड द मिरर। तो देखिए ऑब्जेक्ट इतने बड़े साइज का है, इमेज इतनी छोटी बन रही है, तो दैट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड अगेन इट विल बी वर्चुअल, व्हाई, बिकॉज इट इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, इट इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला, अभी हम मिरर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। Now let's start with the mirror formula. The mirror formula here it is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. तो देखिए ये हमारा होता है mirror formula. अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि u को लेते हैं हम object distance, v को हम मानते हैं image distance और f को हम consider करते हैं focal length of the mirror. ठीक है? तो object distance is considered as the u which is always kept in front of the mirror. इमेज इज फॉर्म समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड समटाइम्स बिहाइंड द मिरर, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वेदर वी विल टेक इट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। देन आफ्टर दैट फोकल लेंथ, तो देखिए इसके बाद हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस, ये रेडियस का हाफ होता है, तो इट इज
वी कैन से आर बाय टू. नाउ अगर हम इस फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो इट विल बिकम वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू टू बाई आर. ये हमारे पास सॉल्व होकर के इस तरह से एंटिटी आ जाएगी. अब हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है. इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. Which is represent, image height is represented by h dash and object height is represented by h. Or we can consider here the image height is represented by h2 and object height is represented by h1. तो देखिए कहते हैं in case अगर h2 by h1, if h2 by h1 अगर ये entity solve होने के बाद हमारे पास negative entity आती है तो what we can say that the image is real and inverted. कि अगर हमारे पास हम h2 ratio h1 जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे अगर वो एंटिटी हमारे पास नेगेटिव आती है तो इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. इस तरह से हमें पता चलेगा अगर वो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा तो हमें हमें हम बताएंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. बट अगर h2 और h1 का रेशियो पॉजिटिव आता है इफ देयर रेशियो इज कम्स टू द पॉजिटिव देन वी कैन से द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. कि इमेज जो बनी है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है. इस तरह से हमें नेचर के बारे में पता चलेगा. देन अगर h2 और h1 सॉल्व होकर के 1 आ जाता है, अगर सॉल्व होकर के न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द वी कैन से इमेज. कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, इट इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो सेम बनी है यानी सेम उनकी हाइट है. इज इट क्लियर. देन आफ्टर दैट इफ वी सेज एच टू रेशो एच वन, अगर ये एंटिटी हमारी सॉल्व होकर के आती है ग्रेटर देन वन, अगर ये ग्रेटर देन वन आता है देन वी कैन से इमेज इज बिगर एंड द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर. इमेज जो है वो बड़ी बनी है और ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल है साइज में. बट अगर एच टू और एच वन रेशो हमारा आता है लेस देन वन, अगर ये वन से कम आता है देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड द इमेज इज स्मॉलर. तो मिरर फॉर्मूला का यूज करके इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. इस फॉर्मूला को यूज करके हम जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इन मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे ताकि हम बता सकें इमेज ऑफ द नेचर फॉर्म्ड. इज इट क्लियर. तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो देखिए वेरी फर्स्ट यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द सर्च लाइट्स. यानी जब हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं, किसी चीज पे स्पेशली फोकस करना चाहते हैं तो इट इज यूज्ड एज वी कैन से इट इज यूज्ड एज अ सर्च लाइट इन द हेडलाइट्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स. ये मोटर व्हीकल्स की हेडलाइट्स के हेडलाइट्स में भी यूज होता है. आफ्टर दैट यूज इन द डॉक्टर्स हेड मिरर्स. डॉक्टर्स के जो हेड मिरर्स में भी ये यूज होता है टू फोकस द लाइट ऑन द बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स पर पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए, जैसे कि आईज पर, ईयर्स पर, नोज पर, पर्टिकुलर किसी एक जगह पर फोकस करने के लिए डॉक्टर्स हेड मिरर्स में भी इसका यूज होता है. देन यूज एज अ शेविंग मिरर और द मेकअप मिरर. ये शेविंग मिरर और मेकअप मिरर के तौर पे भी यूज होता है. आफ्टर दैट सी द यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प. स्ट्रीट लैम्प्स में भी एज अ रिफ्लेक्टर इसे यूज किया जाता है. तो एज अ रिफ्लेक्टर इसे क्यों यूज किया जाता है, वी कैन से सो दैट द लाइट कैन स्प्रेड टू अ वेरी लार्ज एरिया, ताकि जो लाइट है उसे लार्ज एरिया में स्प्रेड किया जा सके. आफ्टर दैट यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर यानी बहुत लंबे चौड़े एरिया को बहुत छोटे से मिरर के अंदर देखा जा सकता है. एज जनरली डन बाय द ड्राइवर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. जो ऑटोमोबाइल्स के ड्राइवर्स होते हैं उनके वी कैन से ये रियर व्यू वो क्या करते हैं कि ऊपर शीशे में देखते रहते हैं और पीछे का पूरा व्यू उनको दिखाई देता रहता है. टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट द बैक साइड. बैक साइड में यानी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सारे वी कैन से रोड का पूरा सीन जो है वो उनको वहां पर दिखाई दे जाता है. आफ्टर दैट इट हैज अ वाइड फील्ड व्यू. इसका जो फील्ड व्यू है वो काफी वाइड होता है तो इसे जनरली वी कैन से यूज किया जाता है एज अ डाइवर्जेंट मिरर. तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है. तो बेटे That's all for today. Thank you and have a nice day.